सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर दिस अमेजिंग वीडियो। तो गाइज इसमें बताना अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इस टाइप के थंबनेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग PSET एंड लाइटरूम ऐप। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आपको करना क्या, सिंपली अपना थंबनेल का साइज ले लें एंड देन इसमें फिल स्टॉक देना है आपको ब्लैक कलर का एंड देन फिर आपको बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है अपना, उसको मिड में आपको एडजस्ट कर लेना है ओपेसिटी के, मिड में एडजस्ट कर लेना पहले, इतने में एडजस्ट कर लिया ओपेसिटी फुल कर लेना, ब्लैक एंड वाइट करना एंड देन फिर इसमें कलर है इस पर जाके टेंट पे जाके ये वाला टेंट देना है इस कलर का रेड से थोड़ा लो एंड देन इसमें फिर लाइटनिंग पे जाके इस कॉर्नर से ब्लैक कलर की लाइटनिंग देना एंड देन फिर आपको ये मिलेगा ऐसी ब्लैक कलर का एक और लाइटनिंग मिलेगी, इसको भी आपको ओवरले करना है, डुप्लीकेट करना है, एक को नॉर्मल कर देना है इस टाइप का हो जाएगा। एंड देन क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर से जाके अपना ये इंपोर्ट नहीं PNG इंपोर्ट करनी है प्लेयर की, तो मैंने PNG इंपोर्ट कर ली एंड देन प्लेयर की PNG इंपोर्ट करने के बाद आपको करना है इसको मिड पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद करना है आपको इसके पहले सेलेक्ट फिल करने हैं, इंट प्लेयर बनानी है, उसमें फिल स्टॉक देना है वाइट कलर का, बैक जाएंगे स्टॉक देंगे 2 का एंड देन इसको टिक कर लेंगे सेव एंड देन क्या करना है आपको इसको इफेक्ट्स, इसको इफेक्ट्स में जाके यहाँ से पहले रबर में इरेजर टूल से ये रेस कर लेना बैक करके, इतने रेस कर लेना एंड लेफ्ट साइड में भी ऐसे रेस कर लेना। तो उसके रेस करने के करना है इफेक्ट्स पे जाना है एंड ग्लास वाले इफेक्ट देने हैं यहाँ से आपको, इसको 20 रखना है एंड इसका इसके 20-26 तक रखना है एंड इसमें ग्लो देना है अब जिस कलर का आपने बैकग्राउंड लिया था इस कलर का ग्लो देना है एंड देन बस एक और बार ग्लो दे देना इतना बेटर लगेगा। उसके करना है आपको सिंपली यहाँ से अपना इंपोर्ट करना है, तो पहले क्या करना है एक इंपोर्ट लेयर बनाना है, इसमें आपको ब्रश वाले टूल से ग्लो देना है, पहले ब्रश मार देना बैकग्राउंड पे एंड देन क्या करना है आपको लीनियन डॉट्स देना है इस ग्लो को एंड इसमें गॉसियन ब्लर देना फुल एंड देन ऐसे आपको कर देना है एक और इमटेरियल बनानी है एंड यहाँ से वाइट कलर लेके आपको दोबारा ब्रश मारना है प्लेयर के बैकग्राउंड में एंड लीनियन डॉट्स करना है इसको भी एंड गॉसियन ब्लर देना है इसमें भी जितना आपने उसमें दिया था, इसको 221 कर लेना 121 एंड देन इसको भी लीनियन डॉट्स कर लेना। तो क्या करना है आपको एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है इसकी वाइट वाले की एंड मर्ज कर लेना इन दोनों को, एक और बार गॉसियन ब्लर देना है तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। देन ये करना है आपको पार्टिकल्स दिए आपके पैक में आपको वो इंपोर्ट करने हैं, ये वाले पार्टिकल्स, इसको आपको जो है ब्लैक कलर का आपने फेड दिया था उसके लीनियन डॉट्स करके उसके नीचे ले आने, ब्लैक कलर का फेड था उसके नीचे, बस इसकी ओपेसिटी हल्की स्लो कर लेना एंड देन आपको ये वाले पार्टिकल्स मिलेंगे हल्के हल्के, इसको भी आपको लीनियन डॉट्स कर लेना है ब्लैक वाले के ऊपर रख के, सो ये बेटर लगेगा, सबसे ऊपर ले आ लेना इसको, बस इतना बेटर है। इसके करना है आपको सिंपली एक यहाँ से टेक्स्ट मिलेगा आपको, टेक्स्ट इंपोर्ट करने मतलब फॉन्ट इंपोर्ट करने अपने, सो पहले हम नीचे आते हैं, इसमें नीचे से हल्का फेड दे देते हैं, सो हमने यहाँ से फेड दे दिया, ऐसे ही आपको एक ऊपर से फेड दे देना है इतना, तो आपका बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। उसके बाद करना है आपको सिंपली यहाँ से अपना जाना है, बस बहुत ज़्यादा बेटर है। अब आपको इंपोर्ट करने अपने फॉन्ट्स, तो फॉन्ट आपको मैं लिंक दे दूँगा अपने पैक में और नेम भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना द फॉन्ट वेबसाइट से। तो आपको सिंपली यहाँ से अपने इस टेक्स्ट को अलग अलग ले लेना है, नीचे वाले को आप अलग से ले लेना है लेयर्स ऑफ सिलेक्शन करके, बस इसका करना है आपको ऊपर वाले फॉन्ट पे जाना है, इसमें ग्रेडिएंट देना है आपको इस कलर का, इस टाइप का ग्रेडिएंट देना है एंड देन एक इंपोर्ट लेयर बनानी है इसके ऊपर एंड इसको इन्वर्स करके इसमें फिल स्टॉक देना है जिस कलर का आपने ग्रेडिएंट दिया है वैसी वाइट, ऐसी इस टाइप में आपको फिल स्टॉक देना है, सो बस एंड इसमें लीनियन डॉट देना है और ऊपर इफेक्ट्स में आके ग्लो देना है जिस कलर का आपने फिल स्टॉक दिया था, सो इतना बेटर है इतना। एंड देन अब आपको टेक्स्ट के सेलेक्ट से करने हैं एंड ऊपर वाले पे से जाके एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको डुप्लीकेट करना है एंड इन तीनों को मर्ज कर लेने, बस मर्ज करने के बाद इसको डुप्लीकेट करना है, एक और बार लीनियन डॉट्स एंड गॉसियन ब्लर देना है इससे ग्लो आएगा, बस इसको आपको तीन बार ऐसे करना है, आप सेलेक्ट सेल एंड एक्सट्रैक्ट, एक और बार ऐसे गॉसियन ब्लर देना, सो ऐसे ही दे दिया आपने गॉसियन ब्लर एंड देन क्या करना है आपको सिंपली एक और बार सेलेक्ट से करना है नीचे वाले के एंड एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके करना आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली अपने इसमें मर्ज कर ले ओपेसिटी कम करके मर्ज कर लेना है एंड देन क्या करना है आपको सिंपली अपने टेक्स्ट को बड़ा कर लेना ऊपर वाले टेक्स्ट को, तो इतना कर लिया हमने एंड देन आपको नीचे वाले फॉन्ट पे जाने पबजी मोन्टाज वाले पे, तो देखते हैं ये रहा, इस पर आपको सेलेक्ट से करने इसके भी सबसे ऊपर से ले आना इसको पहले एंड देन इसको इसके ऊपर और इसको भी ऊपर, बिल्कुल बस इतना बेटर सही है। तो फिर करना इसके भी सेलेक्ट से करना है आपको एंड ग्रेडिएंट देना है इसमें आपको ब्लैक कलर का ऊपर और नीचे ब्लैक एंड बीच में वाइट, ऐसा ग्रेडिएंट देना है आपको, तो ब्लैक मतलब थोड़ा डार्क वाला ग्रे, इतना ब्लैक भी मत रखना, ज़्यादा ब्लैक मत रखना, मतलब इतना सही है एंड देन यहाँ से आपने इसको इतना कर लिया, तो लेफ्ट साइड में भी इतना ही कर लेना एंड मिड में ले लेना बस सेव एंड देन आपको एक इंपटेरियल बनानी है इसके ऊपर एंड इन्वर्स करके आपको इसमें फिल स्टॉक देना है वाइट कलर का, सो इसमें वाइट कलर का हमने फिल स्टॉक दे दिया बस एंड देन आपको इसको लीनियन डॉज करना है
एंड इसमें आपको ग्लो देना है वाइट कलर का, वाइट कलर का हमने ग्लो दे दिया। एंड ग्लो को थोड़ा 8.5 तक कर लेना है, फिर 4 तक कर लेना, चलो 4। एंड अब टेक्सचर सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो इतना बेटर है। अब इसको आपको हल्का सा इसमें वॉश में देना, बताता हूँ। पहले आपको इसको डुप्लीकेट करना है, इन तीनों को मर्ज कर लेना बस। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है एंड कॉर्नर्स पे ले आना, इस साइड में ज़्यादा बेटर लग रहा है शेड, तो बस इस कॉर्नर पे आपको उसको ले गए। अब वो करना है अपने फॉन्ट पे जो है, इस पर आपको ड्रॉप शेडो देनी है, कितनी इतनी दे देना बस, बहुत है। एंड देन आपको पबजी मोंटाज वाले पे देनी है, और इसमें आप थोड़ा लो देनी है आपको, ज़्यादा इसमें ब्लर नहीं देना। ब्लर रखना है आपको 7.1 एंड डिस्टेंस आपको 2 रखना है, 0 या 2 रख देना, तो बस इतना सही है। एंड देन आपको करना है डुप्लीकेट ले बनानी है, एंड डॉस करके इसमें भी हल्का सा गॉस ब्लर देना है, बस इतना सही है। इसके सेलेक्ट उसे करना एंड एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया आपके हिसाब से, मतलब इतना बहुत है। एंड देन क्या करना है आपको, एक टेक्स्ट के भी जो ऊपर टेक्स्ट है उसमें भी ऐसे गॉस ब्लर देना है, बस इतना सही है। जो हल्का थोड़ा सा कम देना, इतना सही है, तो देख सकते हो आप। अब इसके भी आपको सेलेक्ट से करने एंड दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो बस। अब हल्का सा क्वेश्चन आप देना चाहो तो दे देना, वरना रहने दो, इतना बेटर लग रहा है वैसे, तो आप देना चाहो तो दो वरना रहने दो। अब क्या करना है आपको, सिंपली ऊपर से हल्का सा और ग्रेडिएंट दे देना, इतना, इससे थोड़ा टैक्स थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से अब दे दिया इतना, एंड देन क्या करना है आपको, सिंपली ये जो मेरा भाई तू वाला फॉन्ट था इसको आपको दोबारा लेना है, एंड देन इसको नीचे लेना है इतना। इसके सेलेक्ट से करने हैं, एक इमटेरियल बनानी है इसके ऊपर, इसमें आपको फिल स्टोक देना है, स्टोक देना है यहाँ से, विड्थ इसकी 2 कर लेना बस। एंड देन अब एक्सट्रैक्ट कर लेना, अपने नीचे वाले फॉन्ट को हाइड कर लेना, एंड इफेक्ट्स में जाके इसको पहले ऊपर ले आना। एंड अब इफेक्ट्स में जाके यहाँ से आपको ग्लास वाला इफेक्ट देना है इसको, 11 या फिर 11 रख लेना इसकी ग्लास। अब इसको आपको ऐसे कर्व में करना है इस टाइप में, एंड यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, डुप्लीकेट करना है इसको, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लेना, एंड देन रुको सॉरी ट्रांसफॉर्म, इतना बेटर है। अब दोबारा एक और बार डुप्लीकेट करना है इसको, एंड ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लगा लेना, थोड़ा बड़ा कर लेना यहाँ पे, बस इतना सही है। आपको बेटर लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा कुछ करना तो कर लेना, बस इतना बेटर लग रहा है मुझे। आप नीचे को अब देना चाहो दे देना, इन तीनों को मर्ज कर लेना, ओवरले कर लेना इनको यहाँ से, इसकी ओवरले ब्लेंडिंग ओवरले कर लेना, डुप्लीकेट करना है इसको ट्रांसफॉर्म, एंड लेफ्ट साइड में ऐसे ही ले लेना इस साइड में। सो सिंपली हमने इस साइड में भी ऐसे ही रख लिया, इसके अलावा कुछ तो बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर आपको कुछ करना है तो आप इसके बाद एक इंटीरियर बनाना, यहाँ पे ये वाला इस टाइप का आपको इफेक्ट देना है, ये ब्लैक होगा पहले, आपको इसको हटाना है ब्लैक वाले को, एंड ऐसा इफेक्ट देना है, इसको ओवरले कर लेना बस, लेन डॉ सिर्फ ओवरले कर लेना, ओवरले सही है, ओपेसिटी 70 तक रखना बस, इतना बेटर है। तो देख सकते हो अभी हम इसमें ये वाले जो है विंग्स लगाएंगे, तो सिंपली बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है विंग्स लगाने के बाद। सो सिंपली ऐसा हो गया। आपको लाइटरूम ऐप ओपन करना है अपना, एंड लाइटरूम ऐप पे जाने के बाद आपको करना है यहाँ से अपना जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, एंड इसमें पहले कलर वाले पे जाना, एंड कलर वाले पे जाने के बाद आपको यहाँ से पिंक पे जाना है, एंड पिंक की सेचुएशन हल्की सी लो कर लेनी है, हल्की सी लो कर लेना है इतनी, एंड ल्यूमिनेंस हाई ल्यूमिनेंस रहने देना इतनी, एंड रेड जो है रेड कलर को हल्का सा हाई कर लेना, तो हाई करने के बाद रेड कलर आपको बेटर लगेगा, थोड़ा अच्छा शो होगा। फिर डन करना है आपको इसको, कुछ करना चाहो तो और कर लेना, कलर में ब्लू कलर हाई कर लेना, एंड पिंक पर्पल भी थोड़ा सा हाई कर लेना, एंड देन इसके बाद आप सिंपली यहाँ से अपना अपने आप से कलर एडजस्ट कर सकते हो आप अपना, तो मैं देखता हूँ, देख लेना आप अपने हिसाब से इसको, एंड देन इतना बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब डन करना है, एंड आप इफेक्ट यहाँ से हल्की टिंट इसका हल्का सा ही कर लेना बस, वेवलेंथ और लो यानी इतना सही है, देखो आप देख सकते हो। तो अब इफेक्ट्स पे आना है, एंड इसकी क्लियरिटी हल्की सी हाई कर लेनी है, डिहेज हाई कर लेना है, एंड विंटेज जो है विंटेज लो कर लेना है इतना, इससे आपका थोड़ा जहर हो जाएगा। अब कर्व वाले ऑप्शन पे जाके आपको लिप शेडोज वाला प्रीसेट दे देना है, तो कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है अब आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ कैसे लग रहा है, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है शो में। सो अगर आपको ऐसे और चाहिए तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने आपको थंबनेल बनाना सिखाया, एंड सेकंड वीडियो में आपको सिग्नेचर बनाना सिखाया अपने एंड्रॉइड डिवाइस में अपने डिज़ाइंस के लिए या फिर लोगों के लिए, एंड जाके वीडियो चेकआउट कर लो।